हेलो, दिस इज़ अनुज बुंदे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कॉन्टिनेंटल जीटी का फर्स्ट सर्विस के लिए। तो सवेरे सवेरे अच्छा है, क्लाउडी वेदर है, चलो फिर चलते हैं। अभी हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे क्योंकि अपने को वसई और एंट्री का सर्विस सेंटर है। ये वसई ईस्ट में जाता है रोड। अपना रॉयल एनफील्ड जो है वो हाईवे के पास में है, तो ये वो रूट का रास्ता है। अभी यहाँ से राइट लेंगे। ये वही रास्ता है जहाँ पे मैं सर्विसिंग को जाता हूँ बजाज के लिए। ये वही रूट पे आता है, तो मैं आप लो रोड का मजा लो। अभी हम वैसे वेस्ट पहुँचे, अभी यहाँ से लेफ्ट लेंगे वैसे ईस्ट जाएंगे डायरेक्ट और एंट्री शोरूम की तरफ। ये ब्रिज तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा जब मैं वैसे ही गया था बाइक लेने के लिए। यही रूट में सारे सर्विस सेंटर, सारे बाइक शोरूम। सिटी रोड है जहाँ से गाड़ियाँ बीन हो रही है। अभी हम सीधा जाएंगे, ये प्रॉपरली वसई का इंडस्ट्री एरिया है जहाँ पे मेजर बाइक सर्विस सेंटर्स होते हैं और शोरूम्स होते हैं। पहले आता है बजाज का सर्विस सेंटर और शोरूम। ये सब मेरे काम पे जाने का ट्रैफिक है, सब यहाँ से हाईवे। चलो ये ट्रैफिक के बाद मिलते हैं। अभी शोरूम में आए थे, अभी उन्होंने सर्विस सेंटर का एड्रेस दिया है, तो अभी रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर को जाते हैं। चलो फिर। ले
Let's go. इसका उद्योग ऐसा विश्व है. सर्विस सेंटर में हेलो फ्रेंड, अभी हम रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पहुँचे. तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है, तो अभी हमने अपॉइंटमेंट लिया है. तो आज फाइनली अनबॉक्सिंग करेंगे कॉन्टिनेंटल जीटी क्रोम एडिशन की पेट्रोल टैंक का. क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है तो उसके अंदर मैंने बताया था कि उसके पेट्रोल टैंक के ऊपर पैचेस आए थे कलर के ऊपर, तो उसके लिए हमने वारंटी क्लेम किया था. तो एक महीने बाद वारंटी क्लेम अप्रूव हुआ है और आज जाके उसका पेट्रोल टैंक आया है. तो अभी हम उसका अनबॉक्सिंग करते हैं. चलो जॉब कार्ड बनाएंगे, देखते हैं अभी जॉब कार्ड में क्या क्या एंट्री करते हैं लोग. फर्स्ट सर्विस में क्या क्या होता है? फर्स्ट सर्विस में सर्विस के हिसाब से ऑयल चेंज होएगा अपना, और स्प्रे होएगा, और ऑन जनरल चेकअप में पूरी गाड़ी की चेकिंग हो जाएगी. ओके. अगर नहीं रहा मतलब टाइटनिंग की जरूरत पड़ी हो और कंप्लेंट जो भी आपका कंप्लेंट है उसके ऊपर रिजॉल्व किया जाएगा, जो भी सॉल्यूशन है वो किया जाएगा. ओके. बाइक सर्विसिंग में यही पार्ट कवर होगा आज. इसमें ऑयल फ्यूल है वो 2600 है, चेन लूप है 300, बाकी उधर सारा सर्विस फ्री है. बाकी ये हमने कंप्लेन दी है, वो लोग उसको वेरीफाई करेंगे. कस्टमर साइन लगता है. बहुत ही वेल प्लान्ड है, अच्छे से मैनेज किया हुआ है सर्विस सेंटर को. ये रॉयल एनफील्ड वसई का सर्विस सेंटर है.
ये 300 ml है। ये छोटा बोतल ये 125 है। 150 ml हां तो उतना ही है बराबर है। सेम आता है दो क्लीनर होते हैं। यूजर मैनुअल और बाइक का सर्विसिंग हो गया। बिग थम्स अप टू रॉयल एनफील्ड। कॉन्टिनेंटल जीटी का जो पेट्रोल टैंक का इश्यू था वो सॉल्व हो गया है, नया रिप्लेस होके आ गया है, वो हमने फिट कर दिया। सेकेंड थिंग सर्विस अच्छा हुआ, जो भी छोटे मोटे इश्यूज थे वो भी सॉल्व हो गए। चलो अभी निकलते हैं। डन विथ कॉन्टिनेंटल सर्विसिंग। वैसे ही सर्विस सेंटर का हो गया तो रोहन को मिलना, बेस्ट सर्विस, मतलब हॉस्पिटैलिटी में नंबर वन। आपके जो भी प्रॉब्लम हो गए वो सारे सॉल्व करेंगे, पर्सनली अटेंड करते हैं। अगर अटेंड नहीं किया तो इनको आगे पकड़ना, ये आपको हेल्प करेंगे और आपको पूरा सोल्यूशन करके देंगे। चलो फिर मिलते हैं। डन विथ बाइक सर्विसिंग। अभी यहाँ पे ब्लॉग एंड कर देंगे, बैटरी डाउन है, बाकी तो रोड सेम है, बाकी घर पे जाके मिलते हैं फिर। हेलो गाइस, फाइनली रीच्ड होम। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि मैंने पूरा एक्सपीरियंस लिया कि रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर में कैसे काम होता है। आज के सर्विसिंग के बारे में बताऊँ तो ये मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। ग्रेट थम्स अप टू वसई रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर। बहुत अच्छा सपोर्ट और कोऑर्डिनेट किया, जो भी प्रॉब्लम था बाइक के अंदर वो उन्होंने सॉल्व करा के दिया है। सबसे मेन थिंग था जो पेट्रोल टैंक का रिप्लेसमेंट, वो आ गया आज। आज नया टैंक का फिटिंग हो गया और हमने इस वीडियो में उसका अनबॉक्सिंग भी किया, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। उसके बाद में बाइक का सर्विसिंग हो प्रॉपर, बाइक का पॉलिशिंग हुआ, वॉशिंग हुआ और कोई इशू नहीं आया, तो बिग थम्स अप। इसी तरह से अगर रॉयल एनफील्ड ध्यान दे, पहले उनको टैंक रिप्लेसमेंट के लिए एक महीना लग गया लेकिन फाइनली वी आर सेटिस्फाइड बाय दिस सर्विस। और सेकेंड सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि जो कॉन्टिनेंटल GT 650 है वो 650 होने के बावजूद भी जो सर्विसिंग जो है वो 2600 में हो गई पूरी, जिसमें खाली ऑयल चेंज ही था, बाकी छोटे मोटे काम थे उन्होंने ऐसे करा दिया क्योंकि फ्री सर्विस था। लेकिन 2600 इज़ नॉट अ बैड डील वो गाड़ी के कॉस्ट में। एक आम नागरिक उस बाइक को लेके उसका सर्विसिंग को मैनेज कर सकता है। बाकी ब्रांड्स तो आपको पता है, अगर प्रीमियम गाड़ियों में जाओगे, प्रीमियम ब्रांड्स में जाओगे, सेम CC में, तो उसका सर्विसिंग ही ब्रांड जितना ही महंगा होता है। लेकिन रॉयल एनफील्ड का सर्विस जो है 2600, मैं आपको लास्ट में एक बिल का फ़ोटो शेयर करूँगा, आप उसको गो थ्रू करना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो और एक्साइटिंग होगा क्योंकि मेरे डोमिनर 400 का सर्विसिंग आ रहा है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।